नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं बू हलीमा का मकबरा। दोस्तों बू हलीमा कौन थी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ऊपर इनका, मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा, ऊपर इनका मकबरा है और लोग ऊपर मकबरे पे ही चढ़ रहे हैं। दोस्तों बू हलीमा वो थी, ये हुमायूं था, जो हुमायूं की नर्स थी। यहाँ पे एक छोटा सा इनका मकबरा बनाया गया है और यहाँ पे एक कमरा है जो छोटी सी गुम्बद है जो 6 फुट की होगी लगभग। मैं आपको पीछे की ओर ले चलूं, पीछे की ओर दोस्तों एक ऊंची सी दीवार है और कुछ नहीं है यहाँ पे देखने के लिए, और ऊपर इनका एक मकबरा। दोस्तों ये पीछे की साइड का एरिया है, मैं आपको दिखाऊं तो पीछे की साइड का एरिया है, सारे पार्क हैं और ये सब मतलब गार्डन नुमा एरिया है। और पीछे ही वहाँ पे एक कमरा बना है और उस साइड भी एक कमरा बना है और ऊपर जाने के लिए जीने हैं ऊपर की साइड। बू हलीमा दोस्तों एक नर्स थी, जो हुमायूं की नर्स थी। और दोस्तों ये प्लेस है, इस प्लेस के ऊपर इनका मकबरा है। और मकबरा ऊपर ही क्यों बनाया गया, क्योंकि ये उनका एक उस टाइम पे हुमायूं के टाइम पे उनका दवाई खाना हुआ करता था। अगर किसी को भी जंग में चोट लगा करती थी या फिर कोई भी घायल हुआ करता था, खुद हुमायूं भी, तो वो बू हलीमा के पास आया करते थे। दोस्तों ये बू हलीमा वो थी जो हुमायूं की नर्स थी, और जितने भी हुमायूं की सेना थी उनका जो भी था मरहम पट्टी वो करा करती थी बू हलीमा। और दोस्तों ये हुमायूं की बड़ी खास थी। 1547 में इसका नींव रखी गई थी, इसका निर्माण हुआ गया था 1547 में। उसके बाद वो मर गई थी, उसके बाद ये हुमायूं ने ये बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों हुमायूं से पहले वो मर गई थी जो उनकी नर्स थी। मैं ऊपर आपको ले चलता हूँ और इसके काफ़ी बड़े बड़े जीने हैं, मैं आपको ऊपर की साइड। दोस्तों ये है बू हलीमा का मकबरा। और दोस्तों मैंने जूते पहन रखे हैं इसलिए मैं जा नहीं पाऊँगा। और अभी ये चारों लोग आपको दिख रहे हैं मकबरे पे ही बैठ के, अभी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। दोस्तों जो राजा महाराजा होते हैं, जैसे कि हुमायूं था, हुमायूं के दोस्तों मकबरे पे आप आओ कभी और ये सारी चीज़ें आपको समझ जाएंगी। क्योंकि ये वो खास इंसान थे जो गुमनामी में पैदा तो हुए थे, पर इनकी मौत कहीं ना कहीं यादगार रहनी चाहिए। भाई ये किसका मकबरा है, बू हलीमा का। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों वो हैं जो कोई आए तो सुने के बू हलीमा थी कौन बेसिकली। और दोस्तों ये मकबरा थोड़ा अजीब सा है, चारों ओर राउंड तरीके से पत्थर लगाए गए हैं, ऊंचा सा एक, और उसके बाद बीच में बू हलीमा का मकबरा है जो देखने में काफ़ी बुरी हालत में है, बू हलीमा का मकबरा। उसके चारों ओर मैं आपको दिखाऊं तो चारों ओर ही पूरा गार्डन। तो दोस्तों ये बू हलीमा का वो मकबरा है जो खुले आसमान में इनका मकबरा है। दोस्तों इनका मकबरा ठीक है, पर मेरे को एक चीज़ अजीब लगी, क्योंकि इनका मकबरा नीचे होता तो और अच्छी बात होती। क्योंकि दोस्तों मकबरे की बात यह है, क्योंकि इस पर धूप छाँव और बारिश सीधा डायरेक्ट इन पर पड़ती है, इसलिए दोस्तों ये पत्थर सब गल जाते हैं या फिर वक्त के साथ सारे ये मिट जाते हैं। ये दोस्तों मकबरा अगर नीचे होता ना तो हमें देखने को और अच्छा लगता और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता। दोस्तों ये थी वो बू हलीमा जो एक नर्स थी, हुमायूं की नर्स थी। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मकबरा नीचे होता तो काफ़ी और अच्छा देखने में लगता और काफ़ी और थोड़े लंबे टाइम तक के लिए चलता। पर दोस्तों कह सकते हैं कि एक नर्स के लिए मकबरा बनाना बहुत बड़ी बात है, तो ये मकबरा अगर नीचे होता तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि दोस्तों इसी का वजन इस मकबरे का इस छत पे है और सीधा धूप छाँव बारिश सीधा इस मकबरे पे पड़ती है, और ये चीज़ काफ़ी गलत है। और आने वाले टाइम पे ये एकदम मकबरा मिट जाएगा वक्त के साथ, और काफ़ी टूट फूट गया है दोस्तों ये मकबरा, काफ़ी बुरी हालत में हो चुका है ये मकबरा। पर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा वहाँ की ओर ले चलता हूँ थोड़ा सा। ये ही बू हलीमा का जो मकबरा है, ये सारा उसी का पार्ट है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा वहाँ की साइड ले चलता हूँ और वहाँ की साइड मैं आपको दिखाता हूँ, उस साइड भी मैं आपको ले चलता हूँ, और ये सारा बू हलीमा के मकबरे का ही पार्ट है। दोस्तों वहाँ पे अंदर जाना बिल्कुल भी मना है, सिर्फ फ़ोटो वोटो खिंचवाना तक ठीक है, सीमित है। और दोस्तों ये सारा पार्ट बू हलीमा के मकबरे का ही पार्ट है, और ये है बू हलीमा जो हुमायूं ने बनवाया था अपनी नर्स के लिए।
हुमायूं ने बनवाया था, उसी के ऊपर जब बू हलीमा की डेथ हो गई थी तो उसी के ऊपर उन्होंने उनका मकबरा बना दिया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली जब भी प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।